Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम युमना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज हम लोग देख रहे हैं तेरे बिन के 17th एपिसोड को। तो लेट्स गो। फिंगर्स क्रॉस्ड रखा है कि मुर्तज़िम को गोली ना लगे। तुझे करके दिखा दूंगा, धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। माल के बदले माल, दौलत के बदले दौलत, इज्जत के बदले इज्जत। तुझे तो मैं यही मारूंगा। किसको लगी है? पक्का मुर्तज़िम को। वही तो जानना है यार। ये टेंशन में अभी किसका कॉल है अभी? हेलो, क्या मुर्तज़िम को गोली लगी है क्या? खान पे गोली चला दी। ओह नो, किसने कॉल किसने किया? लेकिन उनके जो मुलाजिम है वो। ओह उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली थी। सॉरी, लेकिन मुर्तज़िम की जान बच गई, इसके लिए मैं खुश हूँ। फिर भी अंकल के लिए बुरा लग रहा है। हाथ पे गोली लगी है, शायद बच भी जाए, लेकिन क्या फायदा। ग्रेट, मेरा मान गया मैं तो। लेकिन शायद एक तरीके से अच्छा भी हुआ, नहीं तो इनका कभी रिश्ता सुधरता नहीं। क्या सुधरता नहीं? अब और खतरे में आ गया ना मुर्तज़िम। मुर्तज़िम तो खतरे में आ गया, लेकिन ये रोकेगा शायद, पापा रोकेगा। अब तू यहीं पे मरेगा खान। रोका रोका, वो तो रोकना ही है। अब नहीं छोड़ेगा मुर्तज़िम उसे। अब लिख के ले लो। बीबी दुआ करे, फकीर का फोन आया था, जुबैर मलिक ने खान को गोली मार दी। यार गलत न्यूज़ दे दिया यार, हमें भी टेंशन में डाल दिया। हम सब की जिंदगी खान को लग जाए। सबका ख्याल रखने वाले, सबका एहसास करने वाले हमारे तो बस वही माई बाप। बीबी आप दुआ कर, अल्लाह साइज खान बच जाए। मैं क्यों इमोशनल हो रहा हूँ? मुझे पता है मुर्तज़िम सेफ है। ये मैंने क्या कर दिया? मैं क्या दुआ करूं? मेरे मुर्तज़िम की पिस्तौल से गोलियां निकाल दी। तो मैंने वाह ही वाह किया। ये मेरी वजह से हुआ। फोन करो, पता करो। बहुत प्यार करते हैं खान आप मुझे। अल्लाह साईं आपके प्यार के सदके जिंदगी दे दे। मैं फिर से फकीर को फोन करती, अभी पता करती। अल्लाह साईं ये झूठ हो अल्लाह साईं। लेकिन लकीली झूठ है। हाँ वो तो है। कराची क्यों दिखा रहा है? हाँ जल्दी चलो सब। रोहेल और सबा। क्या रोहेल तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन लेते? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे ये बताओ कि हम वहाँ जाके क्या बात करेंगे? नीरव का पूछेंगे जो हमारा मकसद है। एक तो तुम उसके लिए इतने पागल हो रहे हो और उसे तुम्हारी परवाह तक नहीं, क्योंकि उसको मुझसे राब्ता करने नहीं दिया जा रहा। सबा वो उसे मुझ तक पहुंचने नहीं दे रहे। क्या स्टोरी बना लिया खुद ही। प्लीज, लेकिन इस मेरा कोई फीलिंग नहीं था। हम वहाँ उसके दोस्त बन के जा रहे हैं उससे मिलने। ठीक है देखो, लेकिन रोहेल तुम ना वहाँ जाके कुछ भी नहीं बोलोगे। जो भी होगा मैं ही बात करूंगी। और प्लीज तुम ना अपने जज्बात पे काबू पा लेना। माँ ये क्या जज्बात पर कंट्रोल करेगा? कह रहा हूँ ना, बाकी कुछ नहीं होगा। भैया भाई कैसे निकल? लेकिन ये अंकल के लिए तालिया। हाँ वो तो मुर्तज़िम को बचा लिया। वो बात तो है। छोड़ो मुझे। अच्छा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ये भी अच्छा हुआ। ये तो अच्छा है, डिजर्व करता ही था। गोली नहीं चलाता तो भी डिजर्व करता था। जान से मारूंगा मैं तुझे। याद रखें। कोई भी नहीं जाएगा बाबा, कोई नहीं जाएगा हमारे घर से। बदला लूंगा मैं तेरे से मुर्तसिम खान, याद रखी तू। मुर्तसिम खान, गलती हो गई क्या उससे? वो तुम्हें मारना नहीं चाहता था। ऑब्वियसली चाहता था। पहले खुद पर हमले का मुकदमा करवाऊंगा, फिर अगवा का मुकदमा करवाऊंगा, और उसके बाद मेरा इंतकाम शुरू होगा। क्या माइंड गेम्स है। पूछ जाओ अपने बेटे को। जवान खून है, गलती हो गई है उससे। जवान खून है तो फिर आप इस उम्र में ये गलती मत करें। कल तक मेरी शर्त पूरी हो जानी चाहिए। क्या शर्त रखा है? लेकिन इज्जत तो बोला उसने, लेकिन इज्जत के बदले इज्जत बोला, लेकिन एग्जैक्टली क्या चाहिए उसको? ये मुर्तसिम के साथ काम करेंगे। पार्टी बदल दिया इन्होंने। अच्छा, इनके घर पे गए क्या? मुझे लगा माँ बेगम से सब मिल लेंगे। माँ जाना तो ससुराल मिल गए इधर ही। सबा, अस्सलामुअलैकुम आंटी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। बैठो। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आपकी तारीफ बेटा। अंकल मैं रोहेल। अच्छा अच्छा रोहेल, बैठो बैठो। हाँ तो किस सिलसिले में आना होगा? बताओ बताओ। अंकल वो रोहेल भी हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता था, हम दरअसल मीरब से मिलने के लिए आए हैं। लेकिन बेटा मीरब की तो शादी हो गई। अब यहाँ नहीं रहती है तो फिर वो कहाँ है? कितना इनोसेंट बन रहा हो। एक्चुअली हमारा उससे कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है। मीरब को जहाँ होना चाहिए वो वही है और वो वही रहेगी। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ वो कहाँ है? क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है बेटा? एक्चुअली अंकल वो काफ़ी दिन से गायब है, हम बहुत परेशान हैं। ये भी बात सही है, फ्रेंड्स को टेंशन तो होगी। शादी हो गई ये है। अच्छा वो बता दिया रोहेल। ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं, क्या नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मैं उसका बाप हूँ, मैंने उसकी शादी कराई। वो नहीं कर सकती शादी। क्यों? नहीं ये चीज गलत नहीं कही, लेकिन वो बंदे ने। रोहेल प्लीज बैठ जाओ। सबा प्लीज, तुम तो जानती हो वो नहीं कर सकती शादी। क्यों नहीं कर सकती वो शादी? क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है। हाँ ये गलत बोल दिया भाई। मुझे लगा करियर के बारे में सब बोलेगा। चाटा पड़ेगा इसको भी। चाटा पड़ेगा क्या पता नहीं, लेकिन इसने इमोशंस पे तो कंट्रोल नहीं किया। कि हक भी है उसका, लेकिन मीरब उससे मोहब्बत करती है वो मुझे नहीं लगता। वो सिर्फ वो खुद करता है, वो बता सकता ना। खुश फैमिली में जी रहा हूँ। मुर्तसिम, मुर्तसिम तुम्हें गोली लगी है, तुम्हें क्या हुआ? अफसोस हो रहा है गोली लगी और मैं मरा नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी कि मैं मर जाऊँ, है ना? गोलियां तुमने निकाली थी, लेकिन रीजन और था। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, इसमें से गोलियां तुमने निकाली, क्या चाहती हो तुम? वैसे कह दो यार, मर जाता हूँ। मेरा वो मकसद नहीं था मुर्तसिम। वक्त को गोली लगी है, मुझ पर चलने वाली गोली उसने खाई है अपने सीने पर। फिर मैं पलट के बाहर भी नहीं पड़ सका सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो बस अपनी जिद, अपना गुस्सा प्यारा है, कुछ नहीं। चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए, एक बेगुनाह की जान खतरे में है सिर्फ तुम्हारी वजह से। अफसोस, सेल्फिश। नहीं यार इस बार गलत फहमी हो गई। क्यों समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के कि ये नहीं हो सकता? तुम कौन होती हो मेरे घर में आके मुझसे ये सवाल करने वाले? आप मीरब से पूछें, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो मीरब हमें जरूर बताती। तो आप लोगों ने उसे कोई मौका ही कब दिया? एक तो उसे जबरदस्ती ले गए और फिर शादी भी करवा दी। मैं तुम्हारी ये बकवास नहीं सुनूंगा। मीरब का बाप, जहाँ चाहे उसकी शादी करो। निकलो मेरे घर से। चलो। हाथ हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, निकलो मेरे घर से। रोहेल प्लीज चलो यहाँ से। छोड़ो, भाप होने का मतलब ये नहीं होता कि अपनी मर्जी मुसल्लत कर दी जाए। अगर तुम दोबारा यहाँ नजर आए पुलिस के हवाले कर दूंगा। निकलो यहाँ से। हाथ नहीं लगाना मुझे। वक्कास प्लीज। नहीं डरता मैं आपकी इन धमकियों से, और मीरब से तो मैं मिलकर रहूंगा, चाहे यहाँ या वहां। चलो जाओ जाओ जाओ, बिंदास जाओ। उधर मुर्तज़िम देख लेगा। सलाम खान। वालेकुम अस्सलाम। बख्तू कैसे है? खान बाजू में गोली लगी है, अभी कुछ दिन अस्पताल में रहेगा, लेकिन अब हालत बेहतर है। चलो गुड न्यूज़। मलिक मुख्तार से कोई खबर? थाने के चक्कर लग रहे हैं, आला अफसरान से सिफारिश करवा रहे हैं। लगाने दो उसे अपना जोर, लेकिन उसके बेटे को कोई नहीं निकाल सकता सिवाय मेरे। ठीक है, बख्तू के पास जाओ। जो खान। मुझे बुरा लग रहा है, बख्तू को जब गोली लगी थी मैं सेलिब्रेट कर रहा था, सबसे मोहब्बत थी, मेरा कितना एतबार था मुझे उस पे। काश प्लीज आप दिल बुरा ना करें, हम ऐसे किसी की बात पर यकीन तो नहीं कर सकते ना। पहले मीरब से तो बात करके देखें क्या कहती है वो। हम कल हैदराबाद चलते हैं, मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ सच क्या है। लेकिन उधर जाके बात करना बिल्कुल भी गलत आइडिया होगा। उसने एतराफ, उसका एतराफ उसे मेरी नजरों में गिरा देगा। वो मुझे अपना बाप नहीं मानती, फिर शायद मैं उसे अपनी बेटी ना मानूं। रोहेल तो एक तो यूजलेस कैरेक्टर है। हाँ, गुस्सा वो भी थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है मुझे। हाँ, मुझे तो माँ बेगम से ज्यादा इरिटेटिंग अभी रोहेल लग रहा। मेरा प्यार से एक्सप्लेन करो अख्तू की कैसी कंडीशन है, मेरा मतलब है उसका जख्म कैसे। उसके जख्मों पे तो मरहम लग गया है, लेकिन जो चोट मेरे एतबार को लगी है उसकी तो कोई मरहम भी नहीं। मुर्तसिम तुम गलत समझ रहे हो, मैंने तुम्हारी पिस्टल से गोलियां सिर्फ इसलिए निकाली थी तुम तो मेरी वजह से किसी भी वजह से जज्बाती होके किसी का कत्ल ना कर दो। अगर वो गोली बख्तू को ना लगती तो मुझे लगती, और मैं पलट के अपने दुश्मन को एक भी वार ना कर पाता। एक हारी हुई मौत जो सिर्फ तुम्हारी तरफ से मिलती मुझे। मारने का भी अच्छा तरीका है। क्या चाहती हो तुम मीरा? मारना चाहती हो तो एक दफा साफ साफ मुंह पे कह दो, मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो। गोली की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और मर जाऊंगा। ऐसे मत करो। इसने मुझे पहली बार मुर्तसिम ने ऑलमोस्ट रुला दिया मुझे। मीरब के एपिसोड्स ने मुझे इमोशनल किया था स्टार्टिंग में इसमें, लेकिन मुर्तसिम पूरी तरह से हारा हुआ फील कर रहा। ऑब्वियसली यार, क्योंकि मीरब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मीरब का इंटेंशन वो भी नहीं था। लेकिन अब इसका क्या, इसको क्यों लगता है लेकिन मीरब इससे प्यार करती है? गलत इंटेंशन है बंदे। बस एज अ फ्रेंड हैंग आउट कर रही थी तो इसको क्या लगा मोहब्बत है। धोखा, इतना बड़ा धोखा। मुझे तो हंसने आता है ऐसे आशिकों पे। मैंने तो हंसना स्टार्ट भी कर दिया। नहीं मुझे हंसना आता है सीरियसली, क्योंकि ये वन साइडेड लग रहा है। हाँ, लेकिन खुशफहमी में था कि मेरा साथ इतना बड़ा धोखा। लेकिन धोखा तब होता अगर तुम दोनों रिलेशनशिप में होते। हाँ, लेकिन तू वन साइडेड रिलेशनशिप में भाई। बुरा भी लगता है ऐसे लोगों के लिए, लेकिन ये तो पूरी तरह मुझे नहीं लगता है ऐसे लोगों के लिए बुरा। मुझे बुरा कब लगता है, वन साइडेड लव है, लेकिन ऐसा क्रेजी नहीं होना चाहिए। क्रेजी नहीं होना चाहिए। मुझसे प्यार करती थी ना तुम? बिल्कुल नहीं। तुमने वादा किया था मुझसे, तुम मेरी हो। हाँ? मेरी हो। क्या पता सच भी हो ये, हम अभी इसको बोल रहे हैं। क्या करूँगा तुम्हारे पास है? क्या मेरा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो क्या शादी करके अभी वापस तुम लेके आओगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम सिर्फ मेरी हो मेरा, सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। क्या कर लेंगे। कैसी हैं भाभी बेगम आप? अल्लाह का शुक्र है। मीरब नहीं दिख रही। मुर्तसिम और मीरब नजर नहीं आ रहे। घर में होंगे तो नजर आएंगे ना। तुम्हारी बेटी ने तो जैसे मुझसे मेरा बेटा ही चुरा लिया। क्या बात है यार, ऐसे कौन बात करता है। एक दूसरे को क्या देख रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, जब से मीरब आई है जैसे मुर्तसिम को तो अपनी माँ नजर ही नहीं आती। भाभी बेगम, आपको मीरब से कोई शिकायत है क्या? कुछ खास तो नहीं कर दिया है। अब अच्छा लगता है कि मैं अपनी बहू की बुराइयां करूं। कहाँ हैं वो दोनों? गांव गए। पहले तो मीरब साहिबा जा ही नहीं रही थी, अब चले गए हैं तो पता नहीं क्या हुआ है। मुर्तसिम तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। खास तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी बेटी की शिकायतें कर रही हूँ, बस यूँ ही तुम नजर आए तो अपने दिल का अहवाल कहने की कोशिश कर दी मैंने। खैर छोड़ो, आजकल क्या कर रहे हो? आपकी दुआ से अपना चैम्बर खोल लिया है। रिटायरमेंट के बाद यूँ फारिग बैठना भी अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि अब हमें बूढ़ा समझ के कोई नाकारा कर दे और कोने में बिठा दे। बताए नहीं कैसे आए? जी बस मीरब से मिलना चाह रहे थे। पहले पूछ तो लेते कि वो तुमसे मिलना भी चाहती है या नहीं। क्या पता पिछली बार की तरह वो बगैर मिले तो तुम्हें रवाना कर दे। इनको भी सुना दिया। अगर आप कहेंगी तो हम चले जाएंगे। नहीं नहीं, तुम क्यों जाओगे? सब कुछ बदला लेकिन हमारा रिश्ता नहीं बदला। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी बेटी को समझाओ, उसका घर बसा रहे। माई, ताज़ा कटा हुआ फ्रूट, शहद और जैम लेकर आए। मुर्तसिम, वो नाश्ता रेडी है। ओह नो माई, नाश्ता नहीं करूँगा, देर हो रही है। माई, इनसे कहिए नाश्ता किए बगैर घर से जाते नहीं है। क्या कर लिया? मीरब स्माइल करने का कोशिश कर रही थी, देखा? लेकिन कितने उम्मीद के साथ मीरब को ले गया था। हाँ, कि थोड़ा अच्छा बॉन्डिंग हो जाए। और कुछ भूखे मरो। देर हो रही है, नाश्ता नहीं करूंगा। ओवर इंसान यार, इतना पेशेंस ही नहीं है यार मीरब को। क्या बात है वक्कास, क्या परेशान? कुछ नहीं। अभी क्या बताने वाला है? कुछ तो है वक्कास, अगर इसका ताल्लुक मीरब से है तो फिर मुझे पता होना चाहिए। अब ये पूरा गलतफहमी सब जगह पहुंच जाएगा। अनवर, मैंने मीरब को सब कुछ दिया, हर चीज, कोई रोक टोक नहीं। उस पे अंधा एतबार किया है मैंने। वक्कास, हुआ क्या है? एक लड़का है। कौन? रोहेल, मीरब के साथ पढ़ता था। मीरब का उस लड़के से क्या ताल्लुक? देखो वक्कास, मैं उसका बाप हूँ और यहाँ उसकी पर्दापोशी मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। बताओ मुझे। कहता है कि मीरब उससे मोहब्बत करती थी। वो कह रहा था ना। वही दूसरा तरफ का भी सुन लो। ओह नो, ये देख के ही समझ जाएगी क्या कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा। अनीला, सुनना जरा, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? कुछ अंदाजा है तुम्हें? मैंने कभी वक्कास को इतना परेशान और अनवर को यूँ चौंकते हुए नहीं देखा। क्या तुम लोग अचानक कराची से कैसे आ गए? भाभी बेगम, हम उसके माँ बाप हैं, उससे मिलने नहीं आ सकते क्या? हाँ हाँ, आ सकते हो, चाहे वो तुम्हें अपने माँ बाप समझे या ना समझे। टॉन्ट यार। लेकिन देखो, दो दोस्त, दो यार, दो बाप, कितने उलझे हुए परेशान लग रहे हैं। और मजे की बात कि दोनों की इकलौती औलाद मीरब है। कुछ हुआ है तो बता दो। मैं मीरब की सास सही लेकिन दुश्मन नहीं उसकी। प्लीज मत बताना। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बता रही हूँ ना आपको। अब बिल्कुल कोई बात नहीं। मीरब के हवाले से तो ऐसी वाकई कोई भी बात नहीं है जो आपको नागवार गुजरे। लेकिन शक तो आ चुका है इनके दिमाग में। गोया मीरब के हवाले से जो भी बात होगी वो नागवार ही होगी। शक बैठ गया दिमाग में, अब कुछ नहीं हो सकता। वही तो बात है। तो तुम मीरब से यहाँ पूछने आया? हाँ, मैं उसे पूछना चाहता हूँ, जब मैंने उस पर अंधा एतबार किया उसने एतबार क्यों तोड़ा मेरा? नहीं यार, नहीं वक्कास, ये गलती मत करना। तो क्या मैं चुप रहूँ? उससे उससे कुछ ना पूछो। मत पूछो दादा। देखो वकास, अगर तुम उससे पूछोगे तो उसे पता चल जाएगा। उस लड़के का दावा गलत भी तो हो सकता है। अनवर शादी के वक्त नीरव ने ऐसी कोई बात नहीं की, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें बता देती। सही तो बात है, उसने इनकार किया तो था, लेकिन उसने रोहेल का नाम तो नहीं लिया था। हाँ वही। देखो अभी उसका फोन बंद है, उसका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर तुम उससे बात करोगे तो हो सकता है कि बात बढ़ जाए, वो राब्ता करे उससे। एक्चुअली बात तो करना चाहिए फिर भी, लेकिन मीरब का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि वो उससे मोहब्बत करती है। क्या करूं मैं? उसे अनजान ही रहने दो, इस बात को यहीं दफन कर दो। कोई रोहेल नहीं, कोई लड़का नहीं। ये भी ठीक है, शादी हो चुकी है और उसे सारी जिंदगी अब यहीं पर रहना है। ना पीछे कोई था और ना ही आगे कोई आएगा। बस संभाल लो काम। लेकिन माँ बेगम को ये बात पता चलनी नहीं चाहिए। चल जाएगी, लग रहा है। जाएगी वो बात। अच्छा सच्ची में एक खान मलिक मुख्तार ने मुलाजमा को भेजा, अंदर लेकर जाएंगे, यही रहेंगे अभी। ठीक। खान मेरी क्या गलती है इसमें? मलकू ने नहीं बताया यार, लेकिन ये गलत है यार। खैर जो भी है, कुछ दिन यही रहना होगा जब तक तो कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता। खान मैं दूसरे गांव की हूँ, मुझे अपने गांव वापस जाना है। अब से जो भी है यही है, यही रहना है। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा बेड़ा सब वहाँ के हैं। लेकिन अब तुम यहाँ हो और यही रहोगी, यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, ख्याल रखा जाएगा। बस किसी से कुछ मत कहना जब तक मैं ना कहूँ। एटलीस्ट कुछ बुरा कर रहा नहीं है फिर भी यार। ये खाने पीने का बंदोबस्त कर। फिर भी आई होप कि इसे वापस जाने दिया जाए जल्द से जल्द। आई होप मीरा भी इसकी मदद कर दे। हाँ लेकिन कौन है पता नहीं, लेकिन मुर्तजिम से झगड़ा स्टार्ट होगा फिर। बीबी जब से आई है रोई जा रही है, रोई जा। ये कैरेक्टर भी सही है, खतरनाक। तुम रो क्यों रही हो? और ये चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? चेहरा दिखाओ। कौन हो तुम? आप कौन है? ये हमारे खान। मेरा नाम मीरब है और तुम्हारा? अरे ये खान की बीबी है, एहतराम से बात करो इनके साथ। तो क्या खिदमत करूं फिर मैं आपकी? मैं यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए आई हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? नायला। कहाँ से आई हो? अरे अपने गांव का नाम बता। बताएगी यार, इतना थोड़ा टाइम तो दो। मारी ये बाप के साथ रहेंगी, इन्हें काम सिखाइए। मैं पूछ सकती हूँ यहाँ क्यों आई है? अभी सिर्फ इनसे काम लें। मलिकों ने भेजा है मुझे, इज्जत के बदले इज्जत। आई गेट इट कि वो थोड़ा फ्यूडल माइंडसेट है। किसी कमेंट ने भी बोला था कि याद रखो कि ये जमींदार लोग हैं, वो माइंडसेट रहेगा ही ना कि गलत जो गलत है। लेकिन मुर्तसिम ये गलत है, वो मेरी वजह से यहाँ आई है कैदी बनके, गुलाम बनके। तुम उसे सजा नहीं दे सकते। यहाँ ऐसे ही होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो अमन के लिए आई है, और क्या होगा उसके साथ मैं तय करूँगा। मैं उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या करोगी तुम? जो हो सकेगा वो करूंगी। तुम्हें जो करना है तुम करो, जो मुझे करना है मैं करूंगा। देखते हैं किसकी चलती है इस बार। मेरा ब्राइट है। हाँ ठीक है ना, मैंने तुम्हारी पिस्तौल से गोलियां निकाली, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी के कत्ल के इल्जाम में जेल जाओ। मेरे बंदे को गोली लगी है। अब तो वो ठीक है ना। हमारी यूनिवर्सिटी में क्या ढीठ बना सिखाते थे? नहीं, जालिमों के खिलाफ खड़े होना सिखाते थे, जिद्दी घोड़ों को लगाम डालना सिखाते थे और उनको अस्तबल में कस के बांधना सिखाते थे। बहुत अच्छा सीखी हो तुम। कितने साल लगे? 4 साल। और अपने काम में बहुत माहिर हूँ। स्पेशली तुम जैसे जिद्दी लोगों को बड़ी अच्छी तरह सीधा करना आता है मुझे। छोड़ देगा ना, यही सीन है वो। आई थिंक सो। और ट्रेलर में देखा हुआ है ना भी, मतलब याद नहीं है। मुझे लगा था जो दूसरा घर वहाँ का है 4 साल। जो तुमने 4 साल में सीखा है वो मैंने खुद सीखा है। अब तक तो पता चल गया होगा तुम्हें। खुद से आ रही है। मीरत से तो एक्सपेक्टेड ही है। तो है। 2 ईगोस के बीच में टक्कर है। और तुम्हें पता लग जाएगा। क्या बॉडी लग रहा है मुर्तसिम का। है अच्छा बॉडी है, फिट बंदा है। मीरा भी छोड़ने नहीं वाली थी ऑब्वियसली। अच्छा ये वो थोड़ा मूवीज में देखता ना वैसा सीन है। जॉन अब्राहम का याद आया। वही जॉन अब्राहम की याद आई। क्या शोल्डर है। शोल्डर बाइसेप्स फोरआर्म ट्राइसेप्स। क्या यार ये एपिसोड एक्चुअली बहुत शॉर्ट लगा। मतलब क्यों ऐसे क्यों एंड करते हैं ये लोग। ठीक है फिर भी एटलीस्ट लास्ट एपिसोड का जैसा एंड नहीं था। लास्ट एपिसोड इतने बड़े पॉजिटिव तो देखने मिला। पॉजिटिव था लेकिन फिर थोड़ा सा ये भी हो गया कि एंटरटेनिंग था बहुत ही वो पूल वाला सीन। हाँ, टोटली। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा लगता है उम्मीद देता है ये लोग कि अब शायद दोनों काफ़ी क्लोज आ जाएंगे। मीरब के तरफ से हमें देखने मिला स्टार्टिंग में कि वो एफर्ट ले रही है अभी मुर्तसिम को समझाने की और फ्रूट सब तैयार करके। लेकिन अब मुर्तसिम नाराज़। एक तरफ से कोई कोशिश करता है तो दूसरा नाराज़ रहता है। अब ये कोशिश कर रहा है तो ये नाराज़ होता है। दोनों तरफ से सेम टाइम पर प्यार नहीं मिल रहा। बट पॉजिटिव नज़र आ रहा है। नज़र आया लेकिन फिर से अभी वो नायला के लिए बुरा लग रहा है। वो जो नया कैरेक्टर है जो जिसको घर पे लेके आया जो कि अगेन गलत नहीं कर रहा लेकिन फिर भी ये लेकिन किसी को बंदी बना के रखना गलत वो है। मेंटालिटी भी गलत है कि हाँ। जो लड़की है वो घर की इज्जत है तो उसको अगर हमारे पास ले उसका घर का इज्जत खराब हो गया वैसा वो जो मेंटालिटी है वो। और वो भी जैसे आकाश ने 2 एपिसोड पहले बोला था मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए जिससे बदला लेना डायरेक्ट उससे लो। तो वही चीज़ अगेन। और मैंने तब भी बोला था कि सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है दूसरों से क्या है मतलब। हाँ। जिनसे बदला लेना है तो उसके फैमिली को क्यों मतलब तो वो बदला नहीं होता फिर। लेकिन ये भी चीज़ है कि उन्होंने स्टार्ट किया कि मीरब को उठा के लेके गए लेकिन उनकी इज्जत को लेके। लेकिन ये बंदे को पूरे ये ड्रामा में ऐसा दिखाया कि बहुत ही ग्रेट बंदा है। बहुत मैं मानता हूँ अभी भी ग्रेट है लेकिन ये चीज़ मुझे मुर्तसिम की अच्छी नहीं लगी। चाहे तुम ज़मींदार हो कुछ भी लेकिन तुम उसके साथ बुरा सलूक नहीं कर रहे हो लेकिन बंदी बना के रखना फिर भी। हाँ। लेकिन वो एक चीज़ रियलिस्टिक भी बन जाता है कि मुर्तसिम अच्छा है दिल का बहुत अच्छा है इसके। हाँ। लिए कुछ कर रहा नहीं है बुरा। हाँ। उनके साथ लेकिन वो मेंटालिटी जो होता है ना। हाँ। आप जो सराउंडिंग में लोग जो रहता है उनके हिसाब से आपका मेंटालिटी बनता है। तो बहुत ही रियलिस्टिक दिखाया कि इवन तो मुर्तसिम बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसका मेंटालिटी परफेक्ट रहने वाला है क्योंकि वो है जिस फैमिली से उसमें जो मेंटालिटी है और आसपास के लोग जो है उस हिसाब से आपका मेंटालिटी शेप होता है। वो तो हम और ये भी नहीं है कि हम जो सोचते हैं वो परफेक्टली करेक्ट है। हम हमारा मेंटालिटी भी कई जगह पे रॉन्ग होगा। आप लोग भी बहुत सारे एपिसोड्स में हमारे रिव्यू से शायद डिसएग्री भी करते होंगे कि मैंने एक बार बोल दिया था कि अगर माँ बेगम ने जब मीरब को स्लैप किया था मैंने बोल दिया था अगर मैं होता तो मैं माँ बेगम को भी स्लैप कर देता जो कि बहुत जन को गलत लगेगा कुछ लोग को करेक्ट लगेगा। वो सबका मेंटालिटी कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मैं बस बोल रहा हूँ कि अगर मेरी गलती ना होकर और वो भी सबके सामने मुझे किसी ने स्लैप कर दिया तो मैं भी कर देता, उतना ही मैं बोल रहा था। लेकिन उसमें ये नहीं है कि अभी ये मुर्तज़िम भी क्या कर रहा है बदला लेने के लिए कि मेरी वाइफ को उठा के लेके गए, तो अब उनकी इज़्ज़त मतलब ये औरत को लेके आ गई। रियलिटी रियल वर्ल्ड में भी यही कितने सालों से होता आ रहा है कि एक ग्रुप ऑफ लोग दूसरे से बदला लेने के लिए कोई बुरा काम, कोई जिससे बदला लेना होता है फिर वो मिलता नहीं है तो चलो घर वाले हैं ना, चलो उनकी वाट लगा देते हैं, उनके साथ बुरा सा लोग जो भी है मतलब, तो ये गलत चीज़ है मतलब। और वो साइकिल कभी ख़त्म ही नहीं होता क्योंकि एक मासूम के अगेंस्ट में आप बदला ले रहे हो जिसने कुछ किया ही नहीं है, तो उसके मन में भी कितना कड़वाहट हो जाएगा। आपको ऐसा लगता होगा कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं कि वो नहीं मिल रहा तो इसका, बट उसमें आप बहुत ही गलत हो एक्चुअली, क्योंकि जिससे लेना है उससे ही लेना चाहिए, बाकी ने कुछ बिगाड़ा नहीं आपका। लेकिन ये ड्रामा को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इसी चीज़ पर कि इसमें परफेक्ट कैरेक्टर कोई नहीं, हम लोग काफ़ी एपिसोड से बोल रहे हैं कि देखो मीरब दिखने ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि सबसे परफेक्ट कैरेक्टर रहेगी, वेमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क कर रही है, सबको हेल्प कर रही है, इससे बेहतर कैरेक्टर कौन हो सकता है। लेकिन इस ड्रामा ने दिखाया एंजल जैसी दिखने वाली और बिहेव करने वाली लड़की भी, उसके भी प्रॉब्लम्स थे, लाइक वो भी कितनी स्टबर्न है। बट ये तो सीन रोहेल का तो चलो अभी समाप्त नहीं कह सकते, हाँ लेकिन कुछ तो आएगा ये आगे, वो भी टॉपिक रहने वाला है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि किसी भी कैरेक्टर को परफेक्ट नहीं बनाया, आई एम हैप्पी इन अ वे, क्योंकि मुर्तज़िम जिस फैमिली में पला बढ़ा है तो सेंस बनता है कि उसका मेंटालिटी ऐसा रहेगा। हाँ वो तो है, फिर भी अच्छा है देख, अगर आप कुछ किया नहीं मैच्योर हो तो आपके बच्चे भी आपके जैसा ही सोचेंगे, आपके जैसे ही रहेंगे। दैट्स इट फॉर दिस रिव्यू, रोहेल का आगे डिस्कस करेंगे जब और कुछ आएगा। हाँ वो एक्चुअली वो चीज़ भी कहूँगा कि देखो आगे डिस्कस करना बेहतर रहेगा, अभी से इतना सब कुछ बना। रोहेल का स्पेशली अभी पता नहीं क्या होगा, ऑलरेडी गलतफहमी का सीड बो दिया इन्होंने, होता है सीड प्लांट कर दिया है। अब ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो देखने जैसा होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस रिव्यू, होपफुली आप लोग को हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो बेल आइकन दबाए बिना जाना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।